इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब आगे हम पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में पावर कैसे डिफाइन होती है और कितनी पावर कंज्यूम होती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो एसी जब हमने अप्लाई किया था बेटे, तो हमने एसी अप्लाई किया था इंडक्टर को, रेजिस्टर को, है ना, इन सारे अलग अलग फॉर्म्स में हमने अब तक अप्लाई किया हुआ है एसी को, और उन सभी फॉर्म्स में पावर किस तरह से वैरी होता है, तो इसको अब हमें देखना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पावर इन रेजिस्टिव सर्किट। अगर आपका सर्किट रेजिस्टेंस से बना हुआ है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस से बने हुए सर्किट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका सर्किट है जिसके अंदर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, सो दिस इज रेजिस्टेंस, और यहां पर हमने एसी अप्लाई कर दिया यार, ये है एसी, रेजिस्टेंस है आर, और ये आई इक्वल्स टू बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें पता है, और ई क्या बन जाता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई और ई ये दोनों इस तरह बन जाते हैं, ये हमें पता है ना। यहां पर बताइए कि करंट और ईएमएफ दोनों एक दूसरे को फेज में रहेंगे कि आउट ऑफ फेज रहेंगे, कैसे रहेंगे बताइए। तो रेजिस्टर में ई और आई में फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है ना, ठीक है, तो फेज डिफरेंस दोनों में जो फेज डिफरेंस है फाइ दैट इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स ई एंड आई आर इन फेज, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ईएमएफ और करंट दोनों फेज में होंगे, ये हमें पता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें, तो मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस पावर जो कंज्यूम होगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर पी का फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू होता है वी आई, पता है आपको पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई होता है ना, क्योंकि वर्क डन होता है वी आई टी, तो पावर क्या बन जाएगा, वी आई बन जाएगा, आसान सी बात है, राइट, तो यहां पर बन जाएगा वी मतलब है ई और आई मतलब है आई, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। मैं इंस्टेंटेनियस की पहले बात करूंगा और फिर पूरे एक साइकिल की बात करूंगा। चलो, तो ई क्या है, तो चलिए पावर इक्वल्स टू ई की जगह पर लिखना पड़ेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्यों भाई, यस और नो, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा ई नॉट आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यस और नो, क्या ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें अगर पूरे एक साइकिल के लिए इसको कैलकुलेट करना है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसको जरा सोचते हैं। ये जो पावर है बेटे, ये पावर वेरी होती है, पावर वेरीज विथ टाइम, पावर वेरीज विथ टाइम, पावर इज अ वेरिएबल, यहां पर पावर वेरिएबल बन गया, और जब पावर वेरिएबल है
तो जब एक साइकिल के लिए टोटल पावर हमें अगर ढूंढनी है तो उसको कहा जाता है एवरेज पावर। सो हम लिखेंगे एवरेज पावर, अगर हमें लिखना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि वर्क डन इन वन साइकिल, वर्क डन इन वन साइकिल, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, डिवाइड बाय द रिक्वायर्ड टाइम फॉर वन साइकिल, टाइम पीरियड, यस और नो, इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको PAV बोलेंगे, एवरेज पावर इक्वल्स टू। अब ये जो वर्क डन होता है प्यारे बच्चों, इस वर्क डन को लिखा जाता है इस तरह, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए वर्क डन को कैसे लिख रहे हैं हम, इसको लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस पावर इनटू टाइम के साथ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन मिल जाता है, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम पीरियड कितना, कैपिटल टी, ठीक है। तो वर्क डन इन वन साइकिल, यहां पर वर्क डन भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए PDT से इसको हम डिनोट करके इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये कहां से कहां तक, एक साइकिल के लिए, सो जीरो से लेकर टी तक, सो फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी तक। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज पावर। तो आइए मेरे साथ, तो सबसे पहले अब इंटीग्रेशन करना है, तो आपका लिखने का स्पीड भी फास्ट होना चाहिए, ओके। चलिए तो हम करने जा रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, ये बनेगा एवरेज पावर इक्वल्स टू, ये वन अपॉन टी बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक किसका, PDT, और P क्या आया, ये है आपका P, इंस्टेंटेनियस पावर, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT, क्यों भाई ऐसे होगा। अब इससे आगे आपको करना है, मैं नहीं करने वाला, इससे आगे तो सब आपको करना होगा यार, कौन कौन कॉमन निकलता है वो सब कॉमन निकाल के, इंटीग्रेशन तो आप सीख गए होंगे ना मैथ्स में, और जिन लोगों को मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो मैंने तो पढ़ाया ही है, ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट अपॉन टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डीटी। तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये साइन स्क्वायर को करने के, तो आप ऐसा करिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप डबल एंगल फॉर्मूला से कॉस टू थीटा, क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो, तो वहां से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, लिख दो यहां पर कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाता है वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू। तो अगर इसको उठा के पुटअप कर दूं मैं, तो इसमें पुटअप कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो फटाफट फास्ट, इंटीग्रेशन तो हो गया होगा ना मैथ्स में तो सब लोग फटाफट करिए, और जिन लोग का नहीं हुआ है तो उनको तो इंटीग्रेशन तो पता ही है ना। ये पहले वाला लिख लिया पूरा, मेक इट फास्ट। क्यों भाई आगे बढ़े, हो गया, कैंसर आ रहा है, एकदम आसान है, देखो तो इसको अगर पुटअप कर देंगे तो दिस विल बिकम
E naught I naught upon T integration of half minus cos 2 theta. Cos 2 theta मतलब theta मतलब कौन है? Omega T है यहाँ पर. So 2 omega T divide by 2. दो terms बनेंगे अलग अलग, ठीक है, और dt. तो ये e naught I naught by t, तो पहले half dt का हो जाएगा t by 2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पूरा सब कुछ. और दूसरा हो जाएगा ये 1/2 बाहर आया. कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा. डिवाइड बाय 2 ओमेगा कहां से आया? डिवाइड बाय 2 ओमेगा आएगा डिफरेंशिएशन से, उसको डिवाइड करना पड़ता है जी, और फिर जाके इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे अपन 0 टू टी, ठीक है. तो ये बनेगा एवरेज पावर इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाय टी, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये टी बाय टू तो है ही, माइनस पहला जो है 1/4 ओमेगा, मतलब टी अगर पुटअप कर देंगे तो ओमेगा जो होता है वो 2π/T होता है. ओमेगा क्या होता है? 2π/T, ठीक है. सो ये साइन 2 इंटू 2π/T इंटू टी डिवाइड बाय 4 ओमेगा माइनस 0 अगर पुटअप कर देंगे तो 0 आएगा, तो माइनस 0, राइट. ये बनेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, और ये बनेगा टी बाय 2 माइनस साइन ये टी टी कैंसल, तो 4π. साइन 4π कितना होता है? आखिर 0 ही तो होता है, तो 0 हो गया, पूरा 0 हो गया यार, नहीं समझे. तो इसका पूरा आंसर आया टी बाय 2 किसका, ये जो इंटीग्रेशन था 0 से लेकर टी तक. तो चलिए ये बना आपका टी टी कैंसल, ठीक है. तो आंसर आया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये आंसर आया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2. हाँ सही है तेरा बेटे, E नॉट I नॉट अपॉन 2, ये आया एवरेज पावर. समझ में आया सबके? क्लियर. इसी को लिखने का और एक तरीका होता है कि हमें पता है कि ERMS है ना, तो E नॉट जो होता है E नॉट बाय रूट 2 होता है ERMS, और I नॉट अपॉन रूट 2 होता है IRMS. तो हम इसको लिख सकते हैं कि एवरेज पावर इक्वल्स टू E नॉट इंटू I नॉट डिवाइड बाय ये रूट 2 इंटू रूट 2. तो इसका मतलब ये बन गया ERMS इंटू IRMS. तो इस तरह से एवरेज पावर का और एक फॉर्मूला बना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो है ERMS इंटू IRMS, हो गया, ठीक है. तो ये इतना एवरेज पावर कंज्यूम होगा किसमें? जब एसी हम लगा देंगे रेजिस्टेंस को, तब इतना पावर कंज्यूम हो जाएगा. इज इट क्लियर?
अब आगे बढ़े हैं। ओके नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, वी आर सीइंग पावर इन LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। LCR सीरीज सर्किट में पावर किस तरह से कंज्यूम होगा तो इसको अब हमें देखना है, तो ध्यान दीजिए सब लोग। अब अपना जो LCR सर्किट है, तो इस LCR सर्किट में आप देखोगे कि यहां पर ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स LCR, तो इनमें जो करंट होता है वो सेम होता है सब में, तीनों में करंट कैसे होता है एकदम सेम टू सेम होता है करंट, लेकिन सबका EMF अलग अलग होता है। तो ये आपका AC, ये है LCR, दिस इज योर AC। तो हमने देखा था LCR सर्किट में भाई कि जब आपका ई रिजल्टेंट या रिजल्टेंट आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना आया था, तो जो फेज डिफरेंस आता है यहां पर प्रैक्टिकली, तो फेज डिफरेंस फाइ इन दोनों में हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस रहेगा। अगर मान लो कि हमने इसको EMF जो प्रोड्यूस लगाया है यहां पर वो अगर है E0 साइन ओमेगा टी, तो हमें लिखना पड़ेगा जो I है आपका वो बन जाता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, या फिर माइनस फाइ भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, लीड भी कर सकता है लैग भी कर सकता है, अपने ऊपर है ना, कैपेसिटिव या इंडक्टिव, तो लीड करेगा या तो लैग करेगा, क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा यहां पर, तो मैं लिख देता हूं कि भाई इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E into I, इसका मतलब बनेगा E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर यहां पर बन जाएगा। अब एक काम करते हैं हम, ये साइन ऑफ ओमेगा टी वाला जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को जरा एक्सपैंड करा देते हैं। तो इस ब्रैकेट को अगर हम एक्सपैंड करा दें तो ये क्या बनेगा, जरा देखिए ध्यान से। तो इसको मैं लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी आपकी E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0, और ब्रैकेट में ये साइन देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सर नो, तो उसी को मैं लगा रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस दोनों, तो कॉस ए साइन बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइ, इस तरह से इसको मैंने एक्सपैंड करा दिया, एग्रीड। इस एक्सपेंशन से फायदा क्या हुआ, तो अब मैं साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो ये जो साइन बाहर है साइन ओमेगा टी, इसको अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दू तो E0 I0 और ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइ, इस तरह से बनेगा। ध्यान से इसको देखिए, अच्छे से देखिए, प्यार से देखिए, देखो यार इस तरह से आया। अब हम फिर से अपना प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला है, एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू होता है
वर्क डन अपॉन टाइम, यहाँ पर वर्क डन कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन टोटल टाइम पीरियड टी। चलो इसमें पुट अप कर देंगे, ये बनेगा वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट आई नॉट, ये पूरा ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। ठीक है, तो वन अपॉन टी मैंने पहले बाहर निकाल लिया था। चलो अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब आप बोलोगे सर ये तो टफ दिखता है, इसमें कुछ टफ नहीं है, देखो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसको क्या कर देने का, सबसे पहले इसमें से आप दो अलग अलग टर्म्स को सेपरेट करा लो। ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स को आप सेपरेट करा लो, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, ई नॉट आई नॉट ये तो कॉन्स्टेंट ही है, अपॉन टी जो कॉन्स्टेंट है सारे बाहर आ गए। अब पहला जो इंटीग्रेशन है, तो पहला इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ये कॉस फाई तो कॉन्स्टेंट है ना डी टी। ठीक है, ये पहला, और दूसरा प्लस माइनस इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइ, साइन फाइ तो कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकलने वाला है जी, समझे, वो भी बाहर ही निकलने वाला है आखिर। तो चलिए ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, अंदर ब्रैकेट के अंदर हम बोल देंगे कॉस फाई को अगर बाहर निकाल दिया, कॉस फाई को बाहर निकाला तो अंडर इंटीग्रेशन बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है हमने। ठीक है, प्लस माइनस इसमें से साइन फाई बाहर निकलेगा, प्यारे बच्चों साइन फाई बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। तो क्या यहां तक क्लियर है सबको? हर एक स्टेप को अच्छे से देखो, हर एक स्टेप को बड़े अच्छे से ध्यान से देखो यार, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को पहले कैलकुलेट किया है ना, किधर है वो, चलो मैं आपको दिखाता हूं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हमने पहले कैलकुलेट करके रख दिया है बाजू में, तो ये देखो ये यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये पूरा बन के देखो ना ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटू ये सब झमेला कट कर फाइनली कितना आया, टी बाय टू आया ना, है ना, टी बाय टू आया, माइनस जीरो ही हुआ वो, तो इसीलिए इसका डायरेक्टली वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूं यहां पर। तो आई विल राइट कि हमने इसको पहले कैलकुलेट कर दिया है, तो हियर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, जीरो से लेकर टी तक इसका फाइनली वैल्यू आने वाला है टी बाय टू, तो इसको मैं एज इट इज पुटअप कर दूंगा टी बाय टू। ठीक है, इसको टी बाय टू हम पुटअप कर देंगे। अब दूसरा इंटीग्रेशन बचा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कोई करके बताएगा मुझे? जी हाँ, इसको कुछ नहीं, टू से मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड करो, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाता है, साइन टू थीटा। ओके,
तो ये साइन टू थीटा बन जाता है। तो आप ये देखोगे कि अगर आप इसको सॉल्व करो पूरा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन टू थीटा आता है वो जीरो से लेकर टी तक, और इसका आंसर फाइनली पूरा कैलकुलेट करने के बाद जीरो से लेकर टी तक अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है जीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी, सो दिस कम्स आउट टू बी, अच्छा इसका लिमिट जीरो से लेकर टी तक, हाँ तब जाके ये बनने वाला है जीरो, ठीक है। ये जीरो कैसे आता है, एकदम आसान है, इसको दो से मल्टीप्लाई करो, दो से डिवाइड करो, तो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करके साइन टू थीटा हो जाएगा, उससे उसको इंटीग्रेट करो, साइन का माइनस कॉस हो जाता है, और फिर वैल्यूज पुट अप करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर आ जाता है जीरो, करके देखना आ जाएगा। तो चलो इसको पुट अप करते हैं अपने इसमें, तो अब ये जो पहला है ये वाला, तो इसका वैल्यू कितना जीरो सॉरी टी बाई टू, और ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू कितना जीरो, कुछ समझ में आया? ओके तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को लिख देंगे हम, तो पी एवरेज इक्वल्स टू E naught I naught upon 2 okay into cos phi, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर cos phi, अच्छा ये 2 नहीं है ये t है, सॉरी cos phi into t by 2, cos phi into ये पूरा इंटीग्रेशन था ना, ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये पूरा इंटीग्रेशन कितना आया t by 2 plus minus sin phi into ये पूरा जीरो आने वाला है, कैलकुलेट करके देखना, पूरा जीरो आएगा, प्लस माइनस जीरो, तो हो गया जीरो, ठीक है। इधर t और इधर t कैंसल,